एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल से एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक आई हूँ, जैसे कि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैं आज आपके लिए एक ह्यूज सा बहुत बड़ा सा मीशो की साड़ीज का हॉल लेके आई हूँ। मीशो ऐप के बारे में आप सबने सुना होगा और बहुत अच्छी ऐप है, इस पे बहुत अफोर्डेबल रेंज में चीजें मिलती हैं। साड़ीज आप इवन 200 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मीशो हैज नॉट गिवन मी मनी टू मेक दिस वीडियो। और जो भी रिव्यू मैं करूंगी जिस भी साड़ी के बारे में, तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। उसका कपड़ा जैसा दिखता है, जो है मैं वही दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ धोखा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे मिला है मैंने वही आपको दिखाया है और उसी के बारे में आपको आपसे बात किया। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अगर आप उससे पहले मुझे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं हर अल्टरनेट डेज पे वीडियोस बनाती हूँ। और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और इन साड़ीज की जो पिक्स देखना चाहते हैं अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, तो वो पहनकर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ। और इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है सेल्फ स्टेटमेंट बाय भावना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें किए बिना दिखाती हूँ मैं आपको मीशो का साड़ी हॉल। सबसे पहले जो मुझे साड़ी मिली है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है इस टाइम पे मैंने रेड पहना हुआ है और रेड अभी मेरा करंट ऑब्सेशन है, तो मैं रेड कलर के ही ज्यादातर चीजें खरीद रही हूँ। तो इसमें आपको अगर रेड कलर की साड़ी थोड़ी सी ज्यादा दिखे तो प्लीज इग्नोर कर लीजिएगा, इसमें कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट साड़ी शुरू करते हैं, कुछ इस तरह से दिखती है फ्रेंड्स। ये साड़ी कुछ इस तरह की साड़ी है और जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन था, देखिए पिक में ये कितनी ज़्यादा शाइनिंग वाली है और कितना अच्छा एकदम स्मूथ सा जॉर्जेट टाइप की फील आ रही है वो है। बट ये सिल्क में है, जो रफ सिल्क होता है उसमें साड़ी है ये। इसका ऑल ओवर ये साड़ी कुछ इसी तरह से है और इसके ऊपर ये रेड कलर का बॉर्डर है। पिक में दिखाया हुआ था थोड़ा पतला बॉर्डर था, बट ये काफी ब्रॉड बॉर्डर मिला है मुझे और इसको पहनने के बाद पूरी लक्ष्मी माता वाली फील आने वाली है मुझे, जैसे लक्ष्मी माता जी अवतार देने के लिए प्रकट हो गई हैं, कुछ ऐसी फील आएगी मुझे इसको पहनने के बाद। अगर आप कुछ इस तरह की साड़ी दुर्गा पूजा के लिए सोच रही हैं लेने के लिए, तो ये अच्छी साड़ी है, ओकेजन वाइज अच्छी है। बट इसका कपड़ा कुछ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और ये देखिए सी थ्रू ऑब्वियसली ये नहीं है साड़ी, बट फिर भी इसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है। सिल्क है, सॉफ्ट सिल्क है, ऐसा नहीं है खुरदरा। ये कुछ 500 अराउंड की पड़ी थी मुझे। मैं प्राइस और इसका पिक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मीशो पे आपको पता है लिंक्स काम नहीं करते हैं, तो ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा ये साड़ी। मैं इसका जो इसको बोलते हैं जो इसका सेलर का नाम है ऐसा कुछ लगा दूंगी, तो ताकि आपको आराम से आप ढूंढ सकते हो मीशो से। तो पहली साड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, ऑल ओवर प्लेन साड़ी है और इसके ऊपर ये बॉर्डर्स हैं। ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये नीचे वाला बॉर्डर है जो प्लीट्स एरिया में आता है। दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा पूजा के टाइम पे इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये साड़ी 500 वर्दी है, 500 में तो क्या आप और ज्यादा इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही आई है ये सारी साड़ी, और अच्छी साड़ी है, शाइन भी है, बट इतनी शाइन नहीं है, इतना रॉयल लुक नहीं है जितना पिक में दिखाया हुआ था। बट स्टिल इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल एंड इट कैन बी वोन ऑन दुर्गा पूजा एंड दिवाली दशहरा टाइप, उस टाइप पे आप इस तरह की साड़ी अच्छे से ज्वेलरी के साथ पहनकर, अगर आपके पास मल्टी लेयर का कोई नेकलेस है उसके साथ ये साड़ी पहनिए, गोल्डन कलर का ब्लाउज पहनिए और आप देखिए अपने पूरे लुक में बहुत सुंदर लुक आएगा, बहुत अच्छी साड़ी लगेगी। ये मल्टी लेयर नेकलेस गोल्डन में पहनिएगा क्योंकि इसके अंदर गोल्डन ज्यादा है, तो गोल्डन में पहनिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत अमेजिंग लगेगी। तो ये प्लेन साड़ी बहुत ज्यादा मैजिक करने वाली है, वंडर्स करने वाली है इस फेस्टिव लुक में। तो इन साड़ीज को मैं स्टाइल करके अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं अभी कमिंग वीडियोस में आपको दिखाऊंगी अच्छी तरह से इसको स्टाइल करके कि आप इनको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब प्लीज। तो ये थी पहली साड़ी, 500 रुपीज के अराउंड थी, अंडर ही थी, तो ज्यादा महंगी नहीं है, तो उस हिसाब से क्वालिटी जैसा प्राइस है वैसी है, उससे तो अच्छी क्वालिटी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली क्वालिटी काफी अच्छी है। तो नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ अब आपको।
साड़ी जो है फ्रेंड्स उसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले पिक दिखाती हूँ। ये पिक है उसकी, अब आप देख के खुद जज कर सकते हैं कितना प्यारा सा डार्क पर्पल कलर है। डार्क पर्पल कलर की ये साड़ी मैंने मंगवाई थी विद ब्लाउज पीस है और 326 या 400 के अराउंड ही है ये भी साड़ी। तो इसमें आपको दिखेगी जो साड़ी मुझे रिसीव हुई है, पहले आप कलर देखिए, ये डार्क कलर है बट मुझे इस तरह के लाइट कलर में रिसीव हुई है और ये बहुत ही ज्यादा भड़कीला सा एकदम नियॉन सा पर्पल कलर लग रहा है बिल्कुल। इसके ऊपर ये भी प्लेन साड़ी है, आजकल प्लेन साड़ीज विद इस तरह के प्रिंटेड ब्लाउज पीस के साथ बहुत ज्यादा आजकल फैशन में है, आप प्रिंटेड ब्लाउज पहन सकते हैं इसके साथ। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिला कैसा मिला। तो ये जॉर्जेट साड़ी है, रेगुलर जॉर्जेट साड़ी जैसी होती है और ये बिल्कुल भी इचिंग नहीं कर रही है, अच्छा है, स्मूथ जॉर्जेट है। जैसे चुन्नी में कपड़ा होता है, कई चुन्नी काफी रफ होती है, वैसा ये चुन्नी वाला कपड़ा है। और इसके बाद इसके ऊपर ये ऑल ओवर लेस लगी हुई है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी की है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इस तरह से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि प्राइस इसका 400 के राउंड है तो उस हिसाब से ये साड़ी है। ये इस तरह से प्लेन साड़ी है पूरी ऑल ओवर, अगर आप इसको इसके मैचिंग के इस ब्लाउज के साथ पहनेंगे बहुत अच्छी लगेगी। प्लेन साड़ी इसके पास वैसे भी बहुत सारा स्टाइलिंग का हमारे पास बहुत सारा इसमें स्कोप होता है, हम कैसे स्टाइल करें इसको, तो हम इस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसको आप पिंक ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं, पर्पल साड़ी है, इसको आप ब्लैक ब्लाउज या प्रिंटेड ब्लाउज या फ्लावर प्रिंटेड ब्लाउज कैसे भी आप ब्लाउज के साथ इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। तो ये थी नेक्स्ट साड़ी। इसके साथ जो मुझे मिला है ये इस तरह का ब्लाउज पीस का फैब्रिक मिला है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली स्टिच करवा सकती हूँ। इस तरह का ये फैब्रिक है और इस तरह से ये आर्ट सिल्क टाइप का है। इस ब्लाउज में प्रिंट भी अच्छा है, कपड़ा भी ठीक ठाक है बट इसमें ये कमी है, ये आर्ट सिल्क के जो हम ब्लाउजेस आजकल लेते हैं, आजकल सभी साड़ी में आर्ट सिल्क के ब्लाउज आते हैं बट वो आर्ट सिल्क के ब्लाउज जब हम इनको स्टिच करवा के पहनते हैं तो ये कहीं ना कहीं रैशेज हमें देते हैं। मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है तो ये आर्ट सिल्क के ब्लाउज मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। तो अगर मैं इसे अपने किसी रेगुलर ब्लाउज के साथ या कोई दूसरे ब्लाउज के साथ पेयर करूंगी जो स्किन फ्रेंडली है तो बहुत अच्छी लगेगी। ये सर्दियों में आप इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं बट गर्मियों में ये बहुत ज्यादा बाइटिंग करता है, बहुत ज्यादा काटता है ये कपड़ा, आप बिल्कुल इसको टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे अपनी स्किन पे। ये उस तरह के कपड़े होते हैं आजकल सभी साड़ीज के साथ यही आते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनका क्या फंडा है। सभी आर्ट सिल्क की साड़ी, कोई भी साड़ी का मटेरियल हो बट आर्ट सिल्क का ब्लाउज में पेल देते हैं वो, जो कि बिल्कुल वेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो ये था इसका ये कॉम्बो, 400 समथिंग रुपीज का ये साड़ी है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील। 387 या 400 इसी के अराउंड है तो बहुत अच्छी साड़ी, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी है बट प्लेन साड़ी इस रेंज में आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत काम आएगी ये प्लेन साड़ी, बहुत काम आती है वैसे भी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मुझे साड़ी मिली है वो कुछ इस तरह की दिखती है, पिक में इस तरह की दिख रही है, रेड कलर की साड़ी है, बहुत ही रॉयल रिच लुक आ रहा है। इसमें दो ब्लाउज है और जो मुझे मिला है एक्चुअल में वो मैं आपको दिखाती हूँ। 286 रुपीज की साड़ी थी ये, इसमें मुझे दो ब्लाउज पीस भी मिल रहे थे, तो मुझे क्या मिला है मैं आपको ये दिखा दियो। मुझे कुछ इस तरह की साड़ी मिली है, इस तरह से ये टेसल्स हैं चारों तरफ इस पे लगे हुए और आई गेस ये इस पल्लू पे ही है, सिर्फ ये देखिए ये सिर्फ यहीं पर है, पल्लू पार्ट पे ही लगे हुए हैं इस तरह से टेसल्स। और उसके बाद ये साड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, ये कॉटन की साड़ी है, ऐसा लग रहा है कॉटन है ये बिल्कुल, लिनन कॉटन और आर्ट सिल्क सब मिक्स लग रहा है मुझे तो। इसमें इस तरह की साड़ी है, ये सी थ्रू है, फुली सी थ्रू और ये सर्दियों में आप बिल्कुल पहन सकते हो, गर्मियों में नहीं पहन सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा रफ है मटेरियल और एकदम स्किन पे थोड़ा सा हार्श भी हो सकता है। ये प्लेन साड़ी है ये भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी प्लेन साड़ीज मंगवाई हैं, नहीं फ्रेंड्स मैंने प्रिंटेड भी मंगवाई है, अभी मैं दिखाने वाली हूँ। हॉल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आपको हर वैरायटी की साड़ी मिलेगी। तो इस तरह की ये साड़ी खरीदने का मेरा सबसे मेन मोटिव था कि इसके साथ दो ब्लाउज पीस आ रहे हैं और ये साड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, ऐसी नहीं लग रही थी,
बट इसका कपड़ा जो है मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इस तरह का कपड़ा है कुछ जो बहुत ही ज्यादा बेकार सा लग रहा है। मुझे कपड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्ट सिल्क टाइप का जो बिल्कुल बेकार आर्ट सिल्क होता ना वो है। अगर इसको आप दो बार धोएंगे तो ये मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि ये पोचा बन जाएगा। बहुत ज्यादा बेकार कपड़ा है और ऑल ओवर साड़ी प्रिंटेड नहीं है, प्लेन है। रेड कलर, ब्राइट रेड कलर है। अगर आप ओकेजनली कभी कभी साड़ी पहनते हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन सकते हैं। 286 रुपीज में वैसे भी आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आई है। इसके साथ इस तरह का एक ब्लाउज पीस ये और एक ब्लाउज पीस ये मिला है मुझे। एक ये क्रीम कलर का ब्लाउज पीस है, गोल्डन नहीं है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर डिजाइन है, क्रीम ब्रोकेट पे गोल्डन डिजाइन, ये रेड ब्रोकेट पे गोल्डन डिजाइन है। अब ब्लाउज पीस का कपड़ा देखते हैं क्या है इसमें। कपड़ा कुछ इस तरह का है ये ब्लाउज। नियर अबाउट 1 मीटर है इसका जो ब्लाउज पीस का कपड़ा है। और ये देखिए शाइनिंग अच्छी है, कलर अच्छा है। ब्रोकेट का कपड़ा ऐसा ही आता है बट ये पतले वाला ब्रोकेट है, थोड़ा मोटा ब्रोकेट भी आता है तो इस तरह से ये दिखता है। नेक्स्ट ये वाला भी, इसका भी कपड़ा सेम ही है और डिजाइन बट कलर अलग है, डिजाइन दोनों का सेम है। तो 286 रुपीज की साड़ी है ये और इसके साथ ब्लाउज भी है दो। सो फ्रेंड्स मूव ऑन टू नेक्स्ट साड़ी। तो नेक्स्ट साड़ी कुछ इस तरह से दिखती है पिक में। अच्छा खासा ब्लैक कलर है और इसके ऊपर पिंक और मल्टी कलर्स की बटरफ्लाइज बनी है। बहुत सुंदर बटरफ्लाइज है, बहुत सुंदर इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है ऑल ओवर। ये साड़ी कुछ इस तरह से दिखती है फ्रेंड्स। तो चलिए ओपन करते हैं पैकेट को कि कैसी आई है साड़ी। फ्रेंड्स ये जो साड़ी है ये ब्लैक कलर में है जैसे कि मैंने बताया और कुछ इस तरह की दिखती है। इस पे ये फैंसी सा ये इस तरह का डिजाइन बना हुआ है इसके बॉर्डर्स पे और पूरी साड़ी इस तरह की है। कुछ ब्लैक कलर का प्रिंट है और इसके ऊपर बटरफ्लाइज है। ये बहुत अच्छी ऐसी साड़ीज लगती हैं अगर आप किसी कैजुअल फंक्शन में जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से एक्सेसराइज कीजिए, पिंक कलर के ब्लाउज के साथ पहनिए, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी ये साड़ी। और कुछ इस तरह का इसका ये है, जॉर्जेट में ही है ये साड़ी पूरी और जॉर्जेट का ही इसमें इस तरह का ये आया है। ये ब्लाउज पीस है, पिंक कलर का ब्लाउज पीस है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसको किसी भी कलर के किसी भी उसके साथ पहन सकते हैं ब्लाउज के साथ क्योंकि इसके अंदर मल्टी कलर्स हैं। बहुत प्यारा, बहुत हैप्पी हैप्पी सा। अब जैसे स्प्रिंग आ रहा है तो स्प्रिंग टाइम पे जैसे ये ठंडा मौसम है इसमें ये बहुत अच्छा लगेगा प्रिंट। बटरफ्लाइज भी है इसमें, सब कुछ है तो बहुत अच्छा लगेगा ये फेब में। अगर आप साड़ी पहनते हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन तो अमेजिंग लगेगी साड़ी, बहुत अच्छी है। वैसे भी आप अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोगों के घर आना जाना भी लगा रहेगा और जैसे आपके घर कोई विजिट करने आता है तो ये हल्की फुल्की सी साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी मुझे, बहुत अच्छी साड़ी है। तो ये साड़ी 600 अराउंड की थी, काफ़ी अच्छी साड़ी है और ये तो फुल पैसा वसूल साड़ी है, इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अच्छी साड़ी है ये, बहुत अच्छी लग रही है ये। तो ये थी फोर्थ साड़ी। अब आप मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स जो मैंने साड़ी ली है वो भी प्लेन ही है। ये प्लेन साड़ी इस तरह की कुछ दिखती है। ग्रे कलर की साड़ी मैंने देखा बहुत ज्यादा आजकल फैशन में है और बहुत ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छे प्राइस पे। 302 रुपीज की, सिर्फ 302 रुपए की साड़ी है ये और कुछ इस तरह की दिखती है। ये प्लेन साड़ी है बिल्कुल। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये उल्टी साइड से तय बन के आई है, मतलब इसके अंदर जो शाइनिंग वाला है साटन पार्ट वो अंदर है और ये देखिए ये बाहर थोड़ा नॉन शाइनिंग है तो बाहर वाली साइड नहीं है, ये उल्टी साइड से तय बन के आई है। इस तरह से दिखेगी कुछ ये साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, प्यारी लगी। ग्रे कलर है इसके अंदर, बहुत ग्रेसफुल लगती है साटिन की साड़ीज। ये सिल्क की साड़ी, साटिन बोलते हैं इसको, तो साटिन की साड़ीज बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगती है, बहुत अच्छी लगती है ये पहनकर। और इसके साथ जो ब्लाउज पीस आया है वो कुछ इस तरह का दिखता है।
आप इसकी साड़ी पहनना चाहे तो साड़ी पहन सकते हैं, नहीं तो इसका सूट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्सिटाइल है ये साटिन का, 6 मीटर का कपड़ा तो इस तरह से है कुछ। और ये ब्रोकेड का ब्लाउज आया है इसके साथ, ये भी आप सर्दियों में पहने तो ही काम आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा चुभेगा। ये तो इस तरह का ये डिजाइनर, ये साटिन की साड़ी और इसके साथ ये ब्लाउज, काफी अच्छी डील है 302 रुपीज में। और आप भी कह सकते हैं दोनों चीजें मिल रही हैं आपको, साटिन का इतना लंबा कपड़ा, इसमें कोई लेस वेस भी नहीं लगी हुई है। तो अगर आप इसको हैवी बनाना चाहते हैं, हैवी लुक देना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से थोड़ा सा लेस वगैरह इसके ऊपर लगा के चारों तरफ इसको बहुत हैवी लुक दे सकते हैं। आप अपनी जैसे आप हैवी देना चाहते हैं जितना लुक, तो वो दे सकते हैं। आप पार्टी वेयर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर पतली लेस लगा लीजिए चारों तरफ, तो ये पार्टी वेयर बन जाएगी। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा हैवी करके किसी शादी वगैरह में पहनना चाहते हैं तो थोड़ी ब्रॉड लेस लगा लीजिए सुंदर सी, तो ये बहुत ज्यादा हैवी साड़ी बन जाएगी। इस तरह की साड़ी आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, इस तरह की कुछ दिखती है, ये बहुत ज्यादा फ्लोई सी है और अच्छी है। तो 300 रुपीज में मुझे ब्लाउज पीस और ये साड़ी दोनों मिली। नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ आपको कैसी है, कुछ इस तरह की ये साड़ी है। आपने बहुत बार देखा होगा अलग अलग एप्स पे कुछ इस तरह की साड़ीज, तो ये मैंने भी देखी काफी सारी एप्स पे, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, और ये ऑलमोस्ट सारी एप्स पे है। तो इस तरह की कुछ साड़ी ये दिखती है, इसके साथ ये वाला ब्लाउज है। व्हाइट के साथ पिंक का तो वैसे भी डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट किसी भी चीज के साथ अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा जितना वो पिंक के साथ अच्छा लगता है। तो पिंक और व्हाइट का तो जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ जैसा होता है, ये मेड फॉर ईच अदर। तो इस तरह से है ये साड़ी, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी कॉटन मिक्स है, इसमें कुछ इस तरह की है ये। और जैसे फेस्टिवल्स का टाइम है तो इस तरह के ब्राइट सा ये इसके ऊपर एलिफेंट जो बने हैं बहुत अच्छे लगेंगे ये। आप इसको आराम से एक्सेसराइज करके बहुत अच्छी लुक इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी है ये, ऑल ओवर साड़ी पे इसी तरह का है और कॉटन में है वैसे भी, तो ये बिल्कुल भी इट्स नॉट गोइंग टू बाइट यू। तो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ फैब्रिक है। मैंने काफी साल पहले ऐसे ही डिजाइन की बिल्कुल यही वाली साड़ी खरीदी थी। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक इलैनिक नाम की ऐप थी, जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग करना, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने वहां से ली थी ऐसी साड़ी, बिल्कुल डिटो यही थी। बट कपड़ा उसमें जो था वो चंदेरी था, चंदेरी भी बिल्कुल थर्ड क्लास वाली चंदेरी थी, और वो अराउंड 700-800 के अराउंड थी वो साड़ी। और बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था वो कपड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे आप पहन भी नहीं पाओगे, उससे पहले ये क्रश हो जाएगा। और इसकी ना प्लीट्स बन रही थी ना कुछ हो रहा था। बट मैंने कंपैरिजन के लिए मंगवाया कि अब उसमें कुछ डिफरेंस है, तो ये मीशो से मैंने ली है साड़ी। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल सा लुक आएगा इसको पहनने के बाद। ये एलिफेंट तो वैसे भी राजा महाराजाओं वाला, तो थोड़ा रॉयल एलिगेंट और वो क्लासी सा फील आएगा इसको पहनने के बाद। और अगर मैं ये पिंक कलर का ब्लाउज अगर इसका नहीं भी स्टिच करवाती हूँ, तो मेरे पास पिंक कलर के काफी सारे ब्लाउज पड़े हुए हैं, तो आई कैन पेयर दिस साड़ी विद देम ऑल्सो। और ये देखिए काफी अच्छा सा ये ब्रोकेड का है। इसकी साड़ी की जो मेरे को अच्छी लगा वो कपड़ा लगा, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, कॉटन में है ये, तो कॉटन वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। अगर समर्स में इमेजिन कीजिए किसी की छोटा मोटा कोई फंक्शन है तो हम आराम से इसको कैरी कर सकते हैं साड़ी को, और ये इतना अच्छा ग्रेसफुल लगेगा। ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सटल सा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये लुक, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। और इसका कपड़ा, साड़ी का कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया है, बट जो चीज मुझे एक नहीं पसंद आई वो इसका कपड़ा है। ये वूवन जकार्ड टाइप का कुछ है और बहुत ही ज्यादा जैसे ये दिखाई दे रही है, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट प्रिटी एट ऑल। ये कैमरा की और लाइट्स की कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो ये इतना ज्यादा ब्राइट है लग रहा है और चमक रहा है, बट बहुत ज्यादा ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है ये कपड़ा। ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी भी ना तो ये बिल्कुल टियर हो जाएगा, फट जाएगा। इसके नीचे लाइनिंग भी लगेगी, वो तो खैर सभी में लगती है आजकल, बट ये बहुत पैथेटिक क्वालिटी का लगा है मुझे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये ब्लाउज पीस। तो मैं इसे स्टिच नहीं करवाऊंगी, वाई वेस्ट मनी।
तो मैं इसको स्टिच नहीं कराऊंगी और ये बहुत ही ज्यादा बेकार कपड़ा लग रहा है मुझे। कपड़ा भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, ये देखिए 1 मीटर है पूरा, वैसे 80 सेंटीमीटर या 85 होता है, बट ये पूरा 1 मीटर है, क्योंकि ये बेकार कपड़ा है इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया। तो ये है मेरी 6th और लास्ट साड़ी जो कि मैंने मीशो से ली है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ साड़ियाँ जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, और सारी ही बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ीज हैं। और दूसरी बात, अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इनकी पिक के साथ इनका नाम वगैरह सब लगा दूंगी, पूरे वीडियो में लगी है, जहाँ जहाँ पर मैंने साड़ीज दिखाई है आपको वहाँ वहाँ पर मैंने इनकी पिक और इनका प्राइस लिख दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी साड़ी है, जो अच्छी है वो मैंने अच्छी बताई है, जो बुरी है तो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने वो बुरी बताई है। अंडर 500 हॉल है ये और बहुत अफोर्डेबल है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लेके आपके लिए आती रहूँगी। अजियो हॉल अभी आने वाला है लाइन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहिए और देखते रहिए स्टाइल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ जल्दी से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।